मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। इस मसले पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सदन में वॉकआउट किया। सदन में विपक्ष ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये शिवराज सिंह चौहान के समय का घोटाला है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और गरीबों के घर में सिर्फ एक नल की टोंटी लगी है और ठेकेदार पैसे खाकर गायब हो गए। 20,000 करोड़ के घोटाले को सरकार छुपाना चाहती है। लोगों के पास केवल नल और टोंटी है, पानी अब तक नहीं पहुंचा है। लोग आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी भरने को मजबूर हैं। शिवराज सिंह के समय का घोटाला है और एक एक विधानसभा में 200-300 करोड़ काम हुए, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सब लोग आम जनता तक ये योजना को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार पैसा खा गए इसके अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी पिछले 3-4 महीने गर्मी में परेशान रहे, पाइपे डले नहीं, नल घर तक पहुंचे नहीं, घर में उसमें नल में टोटी लगी नहीं, फिर सरकार 20,000 करोड़ के घोटाले को, शिवराज सिंह के समय के घोटाले को क्यों बचाना चाहती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।